हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कसे काय केरो हाल है केना छी अहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक काम। उम्मीद करता हूँ कि राधा रानी कृपा से आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत ही बेहतरीन बीत रहा होगा। वैसे 31 तारीख का और 1 तारीख का समय आपके लिए कैसा बीतने वाला है, यानी कि इस महीने का अंतिम दिन और आने वाले महीने का पहला दिन कैसा रहने वाला है, आप सभी के रिक्वेस्ट पर मैं, आप सभी के विशेष आग्रह पर मैंने ये शुरू किया है। बाकी समय का बहुत ज़्यादा अभाव रहता है मेरे पास में और आप लोगों का इतना ज़्यादा रिक्वेस्ट आने लगा, कम से कम दिन में जो 500-600 फ़ोन आते हैं उसमें से 200-300 लोगों का तो यही कहना होता है कि गुरुजी दैनिक राशिफल डालिए, दैनिक राशिफल डालिए, दैनिक राशिफल डालिए। अब मैं परेशान हो गया, मैंने कहा कि अगर डालना शुरू नहीं करूंगा तो ये कॉल आना बंद नहीं होगा। आप लोगों का ये प्यार है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत तहे दिल से आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं मैं। और ऐसे मैं आपको बता दूं कि आप लोगों के साथ बहुत बड़ा चीट हो रहा है आज के दुनिया में। दैनिक राशिफल नाम का बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं, बहुत बड़ा स्टेटमेंट देने जा रहा हूं मैं और जितने भी एस्ट्रोलॉजर हैं उन सभी के खिलाफ हो जाएगा ये स्टेटमेंट, लेकिन दे देता हूं आप लोगों के दम पर में, आप लोगों के हौसले पर में। दैनिक राशिफल नाम का कोई चीज ही नहीं होता है, ये आपको एक भ्रम में डाला गया है, आप एक गलत बस हवा में उड़ रहे हो, बाकी कुछ है नहीं, आप भ्रम में बस उसको देखने की कोशिश कर रहे हो, कुछ पकड़ने की कोशिश कर रहे हो जो है ही नहीं। यहाँ पर मैं है कुछ नहीं लेकिन मैं पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दैनिक राशिफल नाम का दुनिया में कोई चीज नहीं होता है जो कि आपको बेवकूफ बनाया जाता है और कहा जाता है कि ये आज का राशिफल है। आज का राशिफल होता ही नहीं है, राशिफल जब भी होगा तो 2 दिन का होता है, वो भी चंद्रमा के गोचर के आधार पर में बनाया जाता है राशिफल और वो 2 दिन का होता है। और आपको हर बार कहा जाता है कि आज का राशिफल बता रहा हूँ, आज का राशिफल बता रहा हूँ, आज का राशिफल बता रहा हूँ। अरे भाई आज का राशिफल है ही नहीं, तुम क्या बताओगे, और जो बात आज बता रहे हो वही बात तुम कल बताओगे, चंद्रमा का जो रिजल्ट आज मिलेगा वही रिजल्ट कल भी मिलने वाला है, 2 दिन तक वही रिजल्ट मिलने वाला है, तुम क्या बता रहे हो, क्यों बेवकूफ़ बना रहे हो, पागल बना रहे हो यार दुनिया को, समझ में नहीं आता। चलिए कोई बात नहीं, आपका मैटर है आप जाने, मेरा ये फर्ज था बोलना इसीलिए मैंने बोल दिया। मैं आपको राशिफल बताऊँगा कि 31 तारीख और 1 तारीख को आपके साथ आखिर क्या क्या हो सकता है। ये एक संभावना है, चंद्रमा के गोचर के आधार पर में राशिफल का निर्णय लिया जाता है, जैसा कि आप खूब जानते होगे क्योंकि राशिफल देख देख करके अब आप बूढ़े हो चुके हो, दैनिक रूप से कितने लोगों का देखते हो पता नहीं। तो आइए मित्रों बताता हूँ कि आपके लिए चंद्रमा का प्रभाव कितना अच्छा और कितना बुरा रहने वाला है। एक और बड़ा स्टेटमेंट देने जा रहा हूं मैं आपको, नहीं देना चाहिए, अब समस्या है आदत से लाचार हूं, मजबूर हूं, नहीं बर्दाश्त होता है, बोल देता हूं कि ये जो मैं राशिफल बताने जा रहा हूं अभी, अथवा आज तक आपने जितनी भी राशिफल देखी है, जितनी भी आज तक आपने देख ली, आपकी उम्र चाहे कितनी भी हो, आपने जितनी भी देख ली, मैं आपको बता देता हूँ कि राशिफल कभी भी परफेक्ट नहीं होता है। ये केवल आपको एक भ्रम में रखा जाता है कि मैं जो बोल रहा हूँ राशिफल वही होगा वही होगा। और मैं तो जब YouTube पर खोलता हूँ देखता हूँ आज का राशिफल, अभी मैं किसी का देख रहा था, चैनल सब है नाम नहीं लूँगा किसी का, देख रहा था आज मृत्यु आएगी, आज तांडव होगा, आज पता नहीं क्या होगा, आज क्या होगा, आज किस्मत पलट जाएगी। अरे भाई कैसे किस्मत पलट जाएगी यार, एक दिन में तुम क्या पलट रहे हो, चंद्रमा कोई बहुत बड़ा कुछ कर रहा है क्या हमारे ऊपर में, ऐसा नहीं होता है। ये सब वहाँ पर में वो धूर्त लोग हैं, फेक लोग हैं, आपको केवल बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं, इसलिए सावधान हो जाइए। आइए राशिफल सुनते हैं, आपको मैं बताता हूँ, लेकिन आपको बता दूँ एक बार फिर से कि राशिफल गोचर के आधार पर जो मैं बताने जा रहा हूँ, अथवा कुछ ऐसे विद्वान हैं YouTube पर में भी जो आपको गोचर के आधार पर में बताते हैं, बाकी सब के सब फर्जी, बाकी सब के सब फेक, आपको केवल बेवकूफ़ बनाते हैं। दूसरी बात कि गोचर के आधार पर में राशिफल बनाया जाता है, ये गोचर कुंडली है हमारे सामने में प्रत्येक राशि का, और आपको बता दूं कि गोचर कुंडली कभी भी 100% सच साबित नहीं होती है। ये मैं कह रहा हूँ एज एस्ट्रोलॉजर, मैं ज्योतिष
का जानकार व्यक्ति होकर के ये बात कर रहा हूँ, ये मेरे गले पर में चाकू चलाने वाली बात हुई या नहीं, पाँव पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात हुई या नहीं, लेकिन ये सच्चाई है, आपको अवगत करवाना जरूरी है। उम्मीद करता हूँ कि सच्चाई को आप उतने ही खुले दिल से एक्सेप्ट करेंगे, स्वीकार करेंगे। गोचर कुंडली के आधार पर में जो भी राशिफल बताई जाती है वो 50 से लेकर के 90% तक सटीक बैठती है, साबित होती है। और आपको बता दूं मैं कि गोचर कुंडली के आधार पर में, दैनिक राशिफल के आधार पर में, साप्ताहिक राशिफल के आधार पर में, मासिक राशिफल के आधार पर में कभी भी कोई विशेष निर्णय ना लें, तभी आप भलाई में रहेंगे, नहीं तो आपका नुकसान ही नुकसान होगा, ये मेरा वादा है आपसे। जब भी कोई बड़ा निर्णय लेने हो, मेरा नंबर है आपके पास में, दिख रहा होगा स्क्रीन पर अभी। जन्म कुंडली दिखाएं, विवरण ले, पूछें क्या है, कुछ पैसे खर्च करें, जन्म कुंडली देखूंगा तो पैसा लूंगा, उसमें कहीं से कोई दोराई की बात नहीं है, लेकिन आप पैसे खर्च करें, क्योंकि मैं भी काम पैसे के लिए ही करता हूं। तो लेकिन सही निर्णय लें, अब राशिफल के आधार पर कुछ निर्णय ले लिया, कुछ लॉस हो गया, चला गया, बर्बाद हो गया सारा का सारा। आइए चर्चा आरम्भ करते हैं। राशिफल से पहले जिस किसी भी व्यक्ति का 31 तारीख को यानी कि 31 अक्टूबर को और 1 नवंबर को जन्मदिन है, उन सभी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामना। माता सरस्वती, माता राधे रानी, राज राजेश्वरी आपकी सभी इच्छाओं की पूर्ति करें, आपको लंबी आयु दे, दीर्घायु बनाए, धन दौलत रुपया पैसा गाड़ी बंगला सब कुछ से आपको भर दें, ये मेरा माता रानी से प्रार्थना है। बोलिए राधे राधे। जिनका मैरिज एनिवर्सरी है उनको भी बहुत बहुत बधाई, कांग्रेचुलेशन, उसको भी माता रानी सब कुछ दे। राशिफल बताने से पहले दैनिक पंचांग बताने का विधान है, ऐसा ट्रेंड चल रहा है जिससे आपका कोई लेना देना है नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ क्योंकि अब ऐसा ही ट्रेंड चल रहा है। मित्रों, आपके लिए पंचांग में केवल मैं 2-3 बातें ही बताऊंगा जो आपके लिए ज़रूरत की है, फालतू चीज़ों पर समय बिल्कुल नहीं दूंगा मैं आपके लिए। मैं एक चीज़ तो ये बताऊंगा कि शुभ समय कितने बजे से कितने बजे तक का है, जिसमें आप कोई बढ़िया काम करना चाहो तो कर सकते हो। अशुभ समय कितने बजे से कितने बजे तक का है, जिसमें कोई शुभ काम बढ़िया काम नहीं करने का कोशिश करना है और किस दिशा में नहीं जाना है। इसके अलावा मैं पंचांग से आपको कुछ नहीं बताने वाला हूँ। 31 तारीख की बात कर रहे हैं मित्रों, 31 तारीख का जो शुभ समय है यानी कि अभिजीत मुहूर्त जो है, आपको 31 तारीख को आपको मैं बता दूँ कि 4 बजे शुभ समय जो है सो 11:42 AM से लेकर के 12:26 PM तक का, ये पंचांग है मेरे सामने में, ये शुभ समय है। इस समय में यानी कि 11:42 AM से लेकर के 12:26 PM के बीच में ही अगर आप कोई शुभ बढ़िया नया काम करना चाहते हैं तो अभिजीत मुहूर्त है, बढ़िया समय इस समय में कर सकते हैं। 31 तारीख की बात कर रहा हूँ, 31 तारीख को ही राहु काल जो है सो 4:14 PM यानी कि शाम से लेकर के और 5:37 PM तक का है, इसमें कोई भी शुभ काम नहीं करना है, बढ़िया काम नहीं करना है, बाकी सब सामान्य समय है। 31 तारीख को, 31 तारीख को आपको पश्चिम दिशा की यात्रा नहीं करनी है, कोई अगर बड़ा काम है बढ़िया काम करना जा रहे हो तो पश्चिम दिशा की यात्रा ना करो 31 तारीख को, क्योंकि उस दिशा में दिशा शूल है, जाने से काम में सफलता ना मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा है, परेशानी आने की बहुत ज़्यादा संभावना हो जाती है, धन हानि की, शरीर हानि की, इन सब की संभावना हो जाती है। ये 31 तारीख की बात हो गई। और बता दूँ कि 31 तारीख और 1 तारीख को दोनों दिन चंद्रमा सिंह राशि में ही रहेंगे, तो कैसे मैं 31 तारीख का आपको अलग राशिफल बता दूं और 1 तारीख को अलग राशिफल बता दूं, मुझसे आपको बेवकूफ बनाना नहीं हो पाता है, मैं नहीं कर पाता हूं वो चीजें। तो 31 तारीख और 1 तारीख को, दोनों तारीख को चंद्रमा जो है सो इसी भाव में है। उसके बाद बता दूं कि 1 तारीख के लिए जो आपके लिए शुभ समय है वो भी 11:42 AM से लेकर के 12:26 PM तक का ही है, जो कि अभिजीत मुहूर्त है, इस समय में आप कोई भी शुभ काम कर सकते हैं। और राहु काल जो है 1 तारीख को वो है 7:55 सुबह से लेकर के 9:18 सुबह तक, इस समय में कोई भी शुभ काम अच्छा काम ना करें तो आपके लिए ज़्यादा बढ़िया रहेगा। दिशाशूल जो है 1 तारीख को यानी कि 1 नवंबर को वो पूरब की तरफ है, तो पूरब दिशा की 1 नवंबर को यात्रा ना करें तो आपके लिए बढ़िया रहेगा, कोई बहुत बड़ा इमरजेंसी अगर नहीं हो तो ना करें, अच्छा रहेगा, सुखद रहेगा, नहीं तो काम बिगड़ने की संभावना है, आप जाओगे मेहनत करके काम भी नहीं हो पाएगा, कुछ हानि वगैरह भी होने की संभावना बन जाती है।
तो ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। और ये राशिफल 31 और 1 तारीख का है, संभावनाओं पे आधारित है, गोचर कुंडली पे आधारित है। कोई बहुत बड़ा निर्णय इस राशिफल के आधार पे ना ले। जन्म कुंडली जो होती है वो 100% सच होती है। मैं जो बताता हूँ, मेरे पास जो ज्ञान है वो 95-97% मैं सच बताता हूँ। 2-3% के लिए मैं भगवान को जिम्मेदार ठहराता हूँ कि अब वो जो करेंगे वैसा ही होगा। इसलिए गोचर कुंडली पे कोई बड़ा निर्णय नहीं लेना है, जन्म कुंडली के आधार पर में परफेक्ट डिसीजन लेना है। जो लोगे आप वो 100% सही होगा। आइए अब आज और कल के राशिफल पर में चर्चा आरंभ करते हैं। मित्रों, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे इस 12 राशि में से सबसे पहली राशि मेष राशि की। मेष राशि वालों के लिए 31 और 1 तारीख का समय यानी कि आज और कल का समय कैसा रहने वाला है। मित्रों, ये हमारा राशिफल चंद्रमा के गोचर पर में आधारित है और मेष राशि वालों के लिए यानी कि चंद्रमा उसके कुंडली के प्रथम भाव में ही विराजमान रहेंगे। और मेष प्रथम भाव में सॉरी गलत कर रहा हूँ मेष राशि वालों के लिए चंद्रमा उसके कुंडली के पंचम भाव में विराजमान रहेंगे, जो कि चंद्रमा आपको पंचम भाव के रिगार्डिंग जो है बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। यानी कि मेष राशि वालों को आज गुस्सा वगैरह ज़्यादा आएगा, लव में कुछ तानातानी हो सकता है, अपने प्रेमिका के साथ में कुछ टेंशन तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है मेष राशि वालों को। आपको बता दूं कि ननिहाल पक्ष से उतना ज़्यादा कुछ आज बेनिफिट नहीं मिल पाएगा मेष राशि वालों को। और इसके अलावा क्या है कि पेट से संबंधित भी कुछ परेशानी मेष राशि वालों को आज परेशान कर सकती है। कुछ चाहने वालों की संख्या में बढ़ोतरी नहीं, आज कमी हो जाएगी। आपके चाहने वाले जो लोग हैं वो आज थोड़े से कम हो सकते हैं, आपको आज थोड़ा कम चाहेंगे। आपके मान सम्मान में भी थोड़ी सी कमी का आपको एहसास हो सकता है आज। आपको बता दूँ कि पाँचवा भाव जो होता है वो संतान का भी होता है, तो संतान पक्ष से थोड़ा सा आज आपको निराशा हाथ लग सकता है। ऐसा लग सकता है कि बच्चे का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, अथवा बच्चों पर में आज आप गुस्सा कर सकते हो, अथवा बच्चे ही आप पर में गुस्सा कर सकते हैं अगर आपके बच्चे हैं तो। आपको बता दूं कि आपके हाथों से आज कोई बहुत बड़ा मंगल कार्य नहीं होने जा रहा है, कुछ धर्म कर्म का काम विशेष नहीं हो पाएगा। और पेट से संबंधित कुछ परेशानी आ सकती है, गैस वगैरह बन सकता है। आपको बता दूं कि माँ से भी कुछ थोड़ा सा टेंशन तनाव की स्थिति आपके लिए आज उत्पन्न हो सकती है। कुछ ज़मीन मकान से संबंधित कुछ विशेष काम करना चाहते हैं तो वो आज ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उसमें आज हानि का योग बन रहा है। और आपको बता दूं कि यहाँ से चंद्रमा की दृष्टि लाभ के घर पर में पड़ जाएगी, तो जिसके कारण से आज आपको बहुत ज़्यादा इनकम भी नहीं होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा पैसा भी नहीं आने वाला, उपलब्धि भी बहुत बड़ी बड़ी प्राप्त आज नहीं होगी, परेशानी आएगी। महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति होने में भी आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, हो सकता है सीनियर्स से आपको डांट भी सुनना पड़े। तो मेष राशि की कहानी आज की कुछ इस प्रकार से है। बात करेंगे वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों के लिए जो चंद्रदेव हैं वो वृषभ मिथुन कर्क सिंह चतुर्थ भाव में विराजमान रहेंगे, और चतुर्थ भाव में चंद्रमा का विराजमान का गोचर कुंडली में फल भी बहुत बढ़िया नहीं है, जिसके कारण से वृषभ राशि वालों को माता से डांट सुनना पड़ सकता है। माँ हो सकता है दो बार डांट दे, दो बातें कह दे, अथवा माता का स्वास्थ्य थोड़ा सा नासाज हो जाए। वृषभ राशि वालों को भी मैं यही आग्रह करूँगा कि आज जमीन मकान गाड़ी से संबंधित कोई अगर फैसला लेना है तो वो ना ले, उनके लिए भी अच्छा नहीं रहेगा। वृषभ राशि वालों को वृषभ मिथुन कर्क यानी कि मेहनत आज ज़्यादा करना पड़ सकता है। वृषभ राशि वालों को काम धंधा ज़्यादा करना पड़ेगा, पराक्रमी ज़्यादा बने रहेंगे, छोटे भाई बहन से कुछ तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, ऐसी संभावना है। जूनियर्स थोड़ी सी आपको बात को नहीं मानेंगे, तो जो गुप्त शत्रु होंगे, छुपे हुए दुश्मन होंगे, वो आपको परेशान करने की कोशिश जरूर कर सकते हैं। चंद्रमा की यहाँ से दृष्टि पड़ जाएगी आपके दशम भाव पर में, तो कहीं से आज आपको अपमान का भी सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिल जाए जो आपकी बातों को सीरियस ना ले और आपको ऐसा लगे कि मुझे अपमान कर रहा है। इज्जत प्रतिष्ठा में कुछ कमी आ सकती है। आज आपको ज़्यादा इंक्रीमेंट मिलने की संभावना नहीं है, प्रमोशन वगैरह मिलने की संभावना नहीं है। और आज आपको मैं बता दूँ कि पिता से भी थोड़ा सा डांट सुनना पड़ सकता है, अथवा पिता किसी बात को लेकर के आपसे नाखुश हो सकते हैं, नाराज हो सकते हैं, अथवा पिता समान कोई व्यक्ति आपसे नाखुश अथवा नाराज हो सकता है। कंपनी से आज विशेष लाभ का योग नहीं है, आज जहाँ भी आप काम करते हैं। तो मेष और वृषभ राशि वालों के लिए थोड़ा सा समय आज खराब रहने वाला है। मेष राशि वालों के लिए उपाय ये हो गया कि वो सूर्य देव की आराधना करें आज और कल, यानी कि 31 तारीख और 1 तारीख को भगवान सूर्य को जल दें। और वृषभ राशि वालों के लिए ये उपाय हो गया कि वो
वो भी सूर्यदेव को जल दें, आज वृषभ राशि वाले भी सूर्यदेव को जल दें, आज वृषभ राशि वाले भी सूर्यदेव को जल दें प्रणाम करें, कल भी सूर्यदेव को जल दें प्रणाम करें, और मेष राशि वाले दोनों यही काम करें, दोनों के लिए बढ़िया रहेगा। दो मिनट का उपाय है, और मन ही मन प्रणाम करके सूर्यदेव को बोलना है कि आज जो आपका थोड़ा सा चंद्रदेव का खराब रिजल्ट मिलने वाला है उसमें थोड़ा ना मिले, यही आपसे प्रार्थना है, बस यही प्रार्थना करना है, बाकी ज़्यादा कोई बड़ा उपाय नहीं बता रहा हूँ जिसके माध्यम से आप परेशान हो जाओ। मिथुन राशि की अगर बात की जाए तो मिथुन कर्क सिंह, मिथुन राशि वालों के लिए तीसरे भाव में चंद्रदेव रहेंगे और तीसरे भाव में चंद्रदेव का फल बड़ा ही बढ़िया है। मिथुन राशि वालों के लिए आज का समय बड़ा बढ़िया रहेगा, जैसे कि मिथुन राशि वाले आज मेहनत ज़्यादा करेंगे, फल की भी ज़्यादा प्राप्ति, पराक्रम जहाँ दिखाने की जरूरत है वहाँ पर मैं आज दिखाएंगे। जो गुप्त शत्रु होगा, जो छुपा हुआ दुश्मन होगा, वो आज अगर आपको नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेगा वो उसका खुद नुकसान हो जाएगा, कमाल की बात ये है। और आपको बता दूँ कि छोटे भाई बहन अगर कोई होंगे आपके तो उनसे भी कुछ फ़ायदा मिलने का योग है, जूनियर्स का भी सपोर्ट आज आपको मिलेगा। आपको बता दूं कि कुछ बैंक बैलेंस भी हो सकता है, कुछ पैसा जमा भी आप कर सकते हो बैंक में अथवा अपने पास में आपको आ सकता है। परिवार वालों का भी आज मिथुन राशि वालों को बढ़िया सपोर्ट प्राप्त होने की संभावना है। और बता दूं कि पड़ोसी से भी कुछ बातचीत वगैरह होकर के वहाँ से भी कुछ लाभ ले सकते हो मिथुन राशि वाले आज आप। उसके बाद बता दूँ कि वाणी भी बड़ी मीठी रहेगी मिथुन राशि वालों की आज, और वाणी के दम पर में भी बहुत सारे काम निकलवा लेंगे मिथुन राशि वाले। गले से संबंधित किसी प्रकार की कोई परेशानी है तो वो भी दूर हो जाएगी, और माँ के लिए भी आज का समय बढ़िया रहेगा। यहाँ से चंद्रमा की दृष्टि सीधा भाग्य के घर पर में, तो आपको बता दूं कि भाग्य का भी आज मिथुन राशि वालों का समय आज बढ़िया है, भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा मिथुन राशि वालों को। अगर विवाह वगैरह हो चुका है तो ससुराल से भी फायदा मिलेगा। जब मैं अब सीधा इस पॉइंट को बोल देता हूँ कि आज आपको ससुराल से इस महीने में अथवा इस साल में अथवा इस दिन मिलने वाला है, अब मेरे पास में कमेंट आने लगता है, गुरु जी विवाह ही नहीं हुआ ससुराल से कैसे फायदा मिलेगा। इसीलिए मैंने ये क्लियर कर दिया यहां पर मैं कि जिनका विवाह हुआ है उनको ससुराल से फायदा का योग है, उनको कोई हो सकता है ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो आशीर्वाद दे, मन से सच्चे दिल से आशीर्वाद दे, क्योंकि आशीर्वाद प्राप्ति का भी आज योग है। कुछ शिक्षा स्तर में भी सुधार हो सकता है, कुछ धर्म कर्म का काम भी कर सकते हो, माता रानी की कृपा भी आज आप पर में बनी रहेगी। तो मिथुन राशि वालों को किसी भी उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। कर्क राशि की बात करते हैं, कर्क सिंह दूसरे ही भाव में चंद्रमा बैठे हुए हैं, इसलिए कर्क राशि वालों के लिए आज का समय थोड़ा सा खराब रहेगा। आपको बता दूं कि कर्क राशि वालों के लिए आज का समय थोड़ा सा किस मामले में खराब रहेगा, जैसे कि पैसा जमा करने की वो कोशिश करेंगे कि मैं डालूं और पैसा उसमें निकल के बार बार बाहर आ जाए, वो ऐसे डालेंगे वो आ जाएगा बाहर। यानी कि पैसा जमा करने की कोशिश करेंगे आज कर्क राशि वाले, लेकिन पैसा जमा करने में सफल नहीं हो पाएंगे, किसी न किसी कारणवश वो पैसा वहाँ से उठेगा और खर्च हो जाएगा। 31 और 1 दोनों तारीख की बात कर रहा हूँ। आपको बता दूं कि परिवार वालों से भी आपको या तो डांट मिल सकती है, या आप ही परिवार वाले में किसी को डांट सकते हो घर के लोगों को। पड़ोसी से कुछ कहा सुनी की भी संभावना, इसलिए ना करें तो बेहतर है, सावधानी के साथ काम करें। वाणी भी थोड़ा सा रफ हो सकता है, थोड़ा सा तीखा शब्द का प्रयोग आज आप कर सकते हो। दोस्तों से भी आज आपको विशेष लाभ का अगर कहें तो योग ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ से दूसरे भाव से दृष्टि पड़ेगी सीधी अष्टम भाव पर में, तो काम में कुछ बाधाओं का भी आज आपको सामना करना पड़ेगा। आप काम करने की कोशिश करोगे बाधा आ जाएगी, आप कुछ करने की कोशिश करोगे बाधा आ जाएगी, आप सब कुछ बना के आओगे आप उधर गए काम बिगड़ जाएगा। नहीं, कुछ चोट वगैरह लगने की भी संभावना है, थोड़ा सा सावधान रहे। अगर कहीं कोई फॉरेन वगैरह में कुछ काम चल रहा है तो वहाँ से छोटा मोटा लाभ मिल सकता है आपको, नहीं तो आज का दिन जो है सो कर्क राशि वालों के लिए बहुत अच्छा नहीं है। कर्क राशि वालों को उपाय करने की बड़ी ज़रूरत है, और कर्क राशि वाले भी सूर्यदेव को आज जल दें और उनसे प्रार्थना करें, क्योंकि सिंह राशि में ही आज चंद्रमा बैठा हुआ है। कर्क के बाद अब सिंह की बात करते हैं। सिंह यानी कि आपके लग्न में ही सूर्यदेव आज सिंह राशि वाले प्रथम भाव में ही विराजमान, बड़ा बढ़िया रिजल्ट देंगे। जैसे कि आपका पर्सनालिटी आज बड़ा बोल्ड रहेगा, आपको देख करके जो है सो आज लोगों को लगेगा कि किसी से बात हो रही है, कोई है बंदा। आपके पर्सनालिटी में एक अलग ही चमक, एक अलग ही रुतबा आ जाएगा। आज आपका मन बड़ा शांत रहेगा और बड़े ही दिमाग बहुत तेजी, कहते हैं चीते की चाल बाज की नज़र और बाजीराव की तलवार पर संदेह नहीं करते, तो आज आपके दिमाग पर में संदेह करना मूर्खता होगी आज और कल, यानी कि 31 और 1 तारीख को। तो 31 और 1 तारीख का जो है सो आपका दिमाग बड़ा तेज़ी से काम करेगा, बहुत ही शार्पली तरीके से आप काम भी कर लोगे, काम निकाल भी लोगे, और लोगों को पता भी नहीं चलेगा और काम आपका हो भी गया।
हाँ ऐसा जरूर है कि कुछ पैसा खर्च भी होगा, उसके भी योग है खर्च होने के, कुछ पैसा भी आपके हाथों से खर्च होगा। और सप्तम भाव पर में दृष्टि है तो विवाह वगैरह का अगर बात चल रहा है तो बात और आगे बढ़ेगी, ऐसा भी योग है। अथवा अगर विवाह हो चुका है जिनका, तब ये अब दूसरे बंदे कमेंट ना करें कि विवाह की आगे बढ़ने की बात आप कर रहे हो, क्योंकि ऐसा कमेंट बहुत आता है मेरे पास, मैं बहुत हंसता हूँ इनको पढ़ करके। तो आप ये कमेंट करोगे, या तो लोग मजाक में ही कमेंट करते हैं अथवा पता नहीं, अब वो कमेंट क्या करेंगे मैं आपको बताता हूँ। वो लिखेंगे कि गुरुजी मेरी तो विवाह हो चुकी है, क्या फिर से विवाह की बात चलेगी, है ये मजाक ही, लेकिन पता नहीं वो लोग लिखते हैं, मुझे तो मजाक ही लगता है। तो जिनका विवाह हो चुका है, जिनका नहीं हुआ है उनकी कुछ बात आगे बढ़ सकती है अगर चल रही है तो, जिनका नहीं हुआ है तो उनकी, और जिनका हो चुका है उनको पति पत्नी का जो संबंध बढ़िया रहेगा, दोनों एक दूसरे की चाहत ज़्यादा ही आज व्यक्त करेंगे। आज आप एक दूसरे को अपने प्यार का इकरार करें, पत्नी को बताएं कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं, आप पति को बताएं कि आप उनसे कितना प्यार करती हैं, आज वो दिन है बताने का। आज आपका काम धंधा भी बढ़िया चलेगा, दैनिक रोजगार के क्षेत्र में भी आज आपका कुछ विकास होगा, उन्नति देखने को मिलेगा, कुछ काम वासना भी आज और कल आपका 31 और 1 तारीख को भड़क सकता है, सेक्स के प्रति आपका मन जो है सो भाग सकता है। और बता दूं कि दुश्मन अगर आज आपसे टकराने की कोशिश करेंगे तो जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, वो वाली हाल हो जाएगी उसकी, अगर आपसे टकराने की कोशिश करेगा तो उसका हार हो जाएगा, आज वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा दुश्मन। आपको बता दूं कि पार्टनरशिप में अगर किसी के साथ बिजनेस चल रहा है तो भगवान की कृपा से वो भी आज आपका बढ़िया चलेगा। तो सिंह राशि वालों को भी किसी भी उपाय को करने की आवश्यकता नहीं है। अब कन्या की बात करते हैं, तो कन्या राशि वालों के लिए सिंह राशि का घर हो गया 12वां। अब कन्या राशि वालों के लिए आज का समय थोड़ा सा उतार चढ़ाव वाला रहेगा, मतलब जैसे कि ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, ये गोचर कुंडली है तो बहुत ज़्यादा दिल पर लेकर के टेंशन दिमाग में पैदा नहीं करना, ये मेरा बार बार आपसे निवेदन है। ये एक सामान्य राशि फल है तो इसको बहुत ज़्यादा सीरियस लेकर के और अब सोच में पड़ गए टेंशन में पड़ गए ऐसा कुछ भी नहीं करना है। तो इस भाव में जो है जो चंद्रमा रहेंगे 31 और 1 तारीख को कन्या राशि वालों के लिए, तो क्या होगा कि धन हानि का योग बन जाएगा, पैसा कुछ खर्चा होगा, जो जमा पूंजी वगैरह होगा वो हाथ से निकलना शुरू हो जाएगा आपके लिए। आपको मैं बता दूं कि लाभ आज कम होगा, कुछ तबीयत वगैरह भी छोटी मोटी खराब हो सकती है, कुछ दवा भी ले सकते हो, नींद में थोड़ी सी परेशानी आ सकती है, पैसा वगैरह कहीं अटक सकता है। आज किसी को अगर कोई काम धंधा करते हो तो उधार देने का प्रयास आज कल ना करें, तो 31 और 1 नवंबर को तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। और आपको मैं बता दूं कि आज कोई बड़ी उपलब्धि का उम्मीद ना रखें, क्योंकि आज बहुत बड़ी उपलब्धि कुछ प्राप्त होने नहीं जा रही है, सीनियर से बहुत ज़्यादा बेनिफिट का, बहुत ज़्यादा सहयोग की भी अपेक्षा ना करें, नहीं तो तकलीफ होगा। बहुत ज़्यादा इच्छाओं की पूर्ति का भी उम्मीद ना रखें, और बड़े भाई बहन से आज आपको थोड़ा सा डांट भी पड़ सकता है, सीनियर से थोड़ा सा डांट भी आज आपको पड़ सकता है। चंद्रमा की दृष्टि यहाँ से छठे भाव पर है, जिसके कारण से जो है आपको मैं बता दूं कि इस समय में दुश्मन थोड़ा सा आपको परेशान करने की जरूर कोशिश करेंगे, आप कहीं से उधार वगैरह कुछ ले सकते हो। और आपको बता दूं कि पेट से संबंधित गैस वगैरह की परेशानी कुछ आ सकती है, ऐसी भी संभावना बन रही है आज, और मन थोड़ा सा दुखी रह सकता है। आपके लिए उपाय करने की जरूरत है, आप सूर्यदेव को जल दो और उनसे प्रार्थना करो, ओम आदित्याय नमः मंत्र का 5 बार जाप करो, जल देते समय 3 बार तो जल दो, तो उस वक्त 3 बार आदित्याय नमः ओम आदित्याय नमः मंत्र का जाप होना चाहिए, और उसके बाद 2 बार और होना चाहिए। और उनसे प्रार्थना करो, बोलो कि आज आप ही की राशि में, आप ही के घर में हमारे मालिक चंद्रदेव हैं, तो आप कृपा करें आज हमें बुरे परिणाम की प्राप्ति ना हो। चलिए उसके बाद कन्या के बाद अब तुला राशि की बात करते हैं, तुला राशि वालों के लिए तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, तुला राशि वालों के लिए आज का दिन बड़ा बढ़िया रहेगा, क्योंकि लाभ के घर में चंद्रमा आ गए। और मैं भी तुला राशि का हूँ तो 31 और 1 तारीख का मुझे लग रहा है कि आप लोगों का कुछ ज़्यादा सपोर्ट प्राप्त होने वाला है, आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लग रहा है कि शेयर करने वाले हो और कुछ विशेष फायदा होने वाला है। तो मैं भी हूँ और आप में से भी जो लोग तुला राशि के हैं उनके लिए भी ये बातें मैं बोल रहा हूँ। तो तुला राशि वालों का आज क्या होगा कि कुछ बड़ा लाभ मिलने का योग बन रहा है, कुछ इनकम में बढ़ोतरी हो जाएगी, कुछ उपलब्धि ज़्यादा प्राप्ति हो जाएगी, कुछ सीनियर्स का ज़्यादा सपोर्ट मिल जाएगा, बड़े भाई बहन का लाड़ प्यार कुछ ज़्यादा मिल जाएगा, वहाँ से भी कुछ लाभ मिल जाएगा, सीनियर भी आपकी तारीफ करेंगे आज। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अगर आप एजेड व्यक्ति जो हैं वो इस वीडियो को देख रहे हैं तो बता दूं कि उनको पुत्र वधू और दामाद का भी सुख मिल रहा है, मिलेगा 31 और 1 तारीख को। काम से संबंधित किसी प्रकार की कोई परेशानी हो तो वो भी दूर हो जाएगी। यहाँ से दृष्टि पंचम भाव पर में, तो संतान का परफॉर्मेंस भी आजकल बढ़िया रहेगा, संतान कोई ऐसा काम करे जिससे कि आप खुश हो सकते हो,
आपको बता दूं कि ननिहाल पक्ष से भी कुछ फायदा मिलने का योग बन जाएगा, आपके हाथों से कुछ धर्म कर्म का काम भी हो जाएगा। आपको मैं बता दूं कि पंचम भाव के रिगार्डिंग जैसे कि पेट से संबंधित कोई परेशानी है तो वो भी दूर हो जाएगी, आपके चाहने वालों की संख्या भी कुछ बढ़ जाएगी, बड़ा बढ़िया रहेगा योग। यानी कि तुला राशि वालों के लिए जो है 31 और 1 तारीख का समय बढ़िया है। जय हो सूर्य देवता, जय चंद्र देवता, आप भी भगवान को प्रणाम करें। तुला राशि वालों को भी 31 और 1 तारीख को कोई उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। तुला के बाद अब बात करेंगे वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए चंद्रदेव दशम भाव में आ जाएंगे, यानी कि वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह दशम भाव में आ जाएंगे चंद्रदेव। अब दशम भाव में चंद्रदेव के आने का वृश्चिक राशि वालों के लिए भी बढ़िया रिजल्ट है। जैसे कि आज वृश्चिक राशि वालों का आज और कल क्या हो सकता है, 31 और 1 तारीख को जैसे कि उनको आज जहाँ भी जाएंगे इज्जत मिलेगा, प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी, मान सम्मान में वृद्धि होगी, हो सकता है तो कुछ गवर्नमेंट से भी फायदा मिल जाए, सरकार से भी फायदे मिलने के योग बन रहे हैं। अगर ऐसा कुछ काम चल रहा है तो 31 और 1 तारीख को वहाँ से भी कुछ फायदा मिल सकता है। आपको जो अधिकार आपका नहीं मिल रहा था, 31 और 1 तारीख को आपके अधिकार मिलने के भी योग बन रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि 31 और 1 तारीख को प्रमोशन वगैरह की भी कुछ बात चल सकती है, कुछ इंक्रीमेंट वगैरह की भी बात चल सकती है आपकी। और यहाँ से दृष्टि पर रही है चतुर्थ भाव पर में, तो आपके मन में ज़मीन खरीदने का विचार आ सकता है, मकान बनाने का अथवा मकान लेने का, फ्लैट लेने का, गाड़ी लेने का, इन सब का विचार आ सकता है। इन सब का विशेष सुख प्राप्ति का भी योग बन रहा है आपके लिए। आपको मैं बता दूं कि माता से भी संबंध बढ़िया रहेगा, माता से भी लाड़ प्यार और आशीर्वाद ही प्राप्त होगा आज आपको, डांट नहीं मिलने वाली है वृश्चिक राशि वाले। और आपको बता दूं मैं कि कुछ अचल संपत्ति के प्राप्ति का भी योग बना रहा है चंद्रमा, तो वहां से कुछ आपको कनेक्शन बैठा करके आप ये सब भी कुछ काम कर सकते हो। वृश्चिक के बाद बात करते हैं धनुराशि की। धनुराशि वालों के लिए चंद्रमा नवम भाव में रहेंगे, नवम भाव में चंद्रमा का बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं है गोचर कुंडली में। जैसे कि नवम भाव में रहने के कारण धनु राशि वालों का जो है सो आज सीन बहुत बढ़िया नहीं रहेगा, जैसे कि भाग्य का बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलेगा धनु राशि वालों को, थोड़ा सा मेहनत का ही सहारा लेना पड़ेगा, मेहनत के बदौलत ही काम हो पाएगा। जिनका शादी हो गया है ससुराल पक्ष से विशेष फायदा नहीं मिल पाएगा, और जिनका नहीं हुआ है उनको तो नहीं ही मिलेगा, ससुराल ही नहीं है तो कहाँ से मिलेगा। आज आपको बहुत बढ़िया लोगों से संपर्क नहीं हो सकता है, अथवा अगर संपर्क भी हो गया तो आशीर्वाद की प्राप्ति नहीं होगी वहाँ से। आपको मैं बता दूं कि तीर्थ और धर्म के क्षेत्र में भी आज बहुत कुछ आप ज़्यादा नहीं कर पाओगे, और शिक्षा मिला जुला करके आज आपका ठीक रहेगा, कुछ सपना वगैरह देख सकते हो इसकी संभावना है। यहाँ से दृष्टि पड़ेगी सीधी तीसरे भाव पर में, तो मेहनत वगैरह कुछ ज़्यादा करोगे, पेशेंस में वृद्धि कम और घटोत्तरी यानी कि कमी ज़्यादा होगी, और छोटे भाई बहन के साथ थोड़ा सा टेंशन हो सकता है, आप ही डांट सकते हो अथवा आप ही को कुछ बोल सकता है। जूनियर्स के का सपोर्ट आज आपको बहुत बढ़िया कंपनी में नहीं मिल पाएगा, जो छुपे हुए दुश्मन होंगे वो आज आप पर में वार करने की कोशिश करेंगे, कैसे भी करें इसको डैमेज करें वो प्रयास करेंगे। आपके लिए उपाय ये है कि भगवान सूर्य को जल दें और ओम आदित्याय नमः मंत्र का जाप करें। आप सोच रहे होंगे सबको मैं एक ही उपाय बता रहा हूँ, हाँ ओरिजिनल बातें यही है, अब इसी को मैं अलग अलग लैंग्वेज में रिलेट करके अलग अलग चीज़ें आपको बता सकता हूँ, लेकिन ज़रूरत नहीं है उसकी, सिर्फ भगवान सूर्य को 31 और 1 तारीख को जिसका इसका खराब है जल देगा, बढ़िया रहेगा। धनु के बाद अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए चंद्रदेव अष्टम भाव में आ जाएंगे, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह अष्टम भाव में आ जाएंगे, और अष्टम भाव में चंद्रमा का फल अच्छा नहीं है। अष्टम भाव में परेशानी का सामना करना पड़ेगा, जैसे कि किसका कह रहा था, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, हाँ तो मकर का कह रहा था। तो मकर राशि वालों को क्या है कि आज थोड़ा सा खराब समय है, वो अनुभव करेंगे कि काम में बाधाएं ज़्यादा आ रही हैं, परेशानी ज़्यादा आ रही है, वो जिस काम को करने की कोशिश कर रहे हैं पहले से ही वहाँ पर में बहुत सारी बाधाएं खड़ी हो जाएंगी आकर के इन दो दिनों में, चोट वगैरह लगने की भी संभावना है थोड़ी सी, इसलिए सावधान रहने की ज़रूरत है। और बता दूँ कि चंद्रमा की दृष्टि यहाँ से दूसरे भाव पर में, तो पैसा वगैरह जो जमा करके रखे होंगे आप उनमें से निकल सकता है, खर्च होगा आज परिवार में भी, या तो आप किसी को डांट सकते हो अथवा आपको कोई डांट सकता है, कुछ टेंशन तनाव की स्थिति पैदा होने की संभावना है। दोस्तों से बहुत ज़्यादा आज फायदा नहीं मिलेगा, पड़ोसी से ज़रा संभल करके रहें तो अच्छा रहेगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि वाणी थोड़ी सी रफ हो सकती है, इसलिए सावधान रहें।
तो मकर राशि वालों को भी आज भगवान सूर्य को जल देना चाहिए, और विशेष कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, उनको भी सूर्य को जल देने की आवश्यकता है, और जल दे करके जो है सो वो भगवान सूर्य को प्रणाम करें, ओम आदित्याय नमः मंत्र का जाप करें, पाठ करें, उनके लिए अच्छा रहेगा। मित्रों आपको मैं बता दूं कि मकर के बाद अब बात आती है कुंभ राशि की बारी। कुंभ राशि वालों के लिए सूर्यदेव रहेंगे सप्तम भाव में, और कुंभ राशि वालों के लिए चंद्रमा का गोचर का सप्तम भाव का फल अच्छा है। जैसे कि कुंभ राशि वालों के लिए आज जिसका विवाह का बात चल रहा है उसकी बातें कुछ आगे बढ़ेगी, और जिसका विवाह हो चुका है उसको दाम्पत्य जीवन का सुख मिलेगा, और जिसका कुछ काम धंधा है दैनिक रोजगार व्यवसाय करता है तो वहाँ से उसको बेनिफिट मिलेंगे, व्यवसाय उसका बढ़िया चलेगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो प्रत्यक्ष दुश्मन है जो आपसे टकराने की कोशिश करेंगे उनको मुंह की खानी पड़ेगी, उनकी खुद इज्जत प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल जाएगी, धूल में धूल चाटेंगे आज वो। इसके अलावा बता दूं कि काम धंधा भी आज आपका अच्छा चलेगा, हाँ काम वासना को जरूर जागृत होगा, जिसमें आज आपका सेक्स के प्रति मन ज़्यादा भाग सकता है, काम वासना के प्रति ज़्यादा भाग सकता है। बाकी आज आपका दिमाग भी बड़ा मजबूती से काम करेगा, कहीं से कोई दो राय की बात नहीं है। उसके बाद अब बच गए कौन से, तो मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह छठे भाव में चंद्रमा आ गए, और छठे भाव में मीन राशि वालों के लिए भी शुभ फल है। जैसे कि मीन राशि वाले का आज अगर दुश्मन परेशान करने की कोशिश करेंगे तो उन्हीं को मात मिलेगी, वो खुद आज परास्त हो जाएंगे, वो खुद आज हानि उठाएंगे, मुंह की खानी पड़ेगी। आज अगर छोटी मोटी कोई बीमारी थी तो वो दूर होने की संभावना है, कर्ज से अगर कोई उधार वगैरह था कहीं पर में तो आज आप चुका सकते हैं, मन आज आपका प्रसन्न रहेगा, और अगर विदेश से कुछ काम चल रहा है तो वहाँ से कुछ फ़ायदा मिलने के योग है मीन राशि वालों के लिए, नींद वगैरह अच्छी आएगी। नहीं उसके बाद आपको बता दूं कि छठे भाव का और भी बढ़िया फल है, जैसे कि स्वास्थ्य वगैरह अच्छा रहेगा, आनंद की प्राप्ति होगी, महिलाओं से संपर्क बढ़ेगा, घर में सुख बढ़ने की संभावनाएँ, शत्रुओं का नाश होगा, रोग का नाश होगा, लेकिन खर्चा ज़्यादा होगा। तो यही थी राशि फल जो सच है वो हमने आपको बताया, इसमें आपसे कुछ छुपाया नहीं, आपको कुछ बहलाने फुसलाने की कोशिश नहीं की, जो सच है गोचर का जो फल है, जो वाकई में जो चीज़ें हो सकती है, फिर कह रहा हूँ गोचर कुंडली संभावनाओं पर मैं आधारित है, 50-100% तक वो परफेक्ट बैठ सकता है, आपके जन्म कुंडली के अनुसार वहाँ पर वो जितना मैच होगा। तो यही है, और उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बातों को ज़रूर समझ रहे होंगे, और मीन राशि वालों को भी कोई उपाय करने की आवश्यकता है नहीं वैसे आज और कल भी। तो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और हमें बताएं कि क्या करना है, दैनिक रूप से राशिफल का वीडियो डालना है या नहीं। अगर आप लोगों का बढ़िया सपोर्ट रहा, कम से कम 10,000 व्यू इस वीडियो पर मैं चले गए, तब तो मैं दैनिक राशिफल का वीडियो रोज़ डालूंगा, अगर नहीं गए तब मैं इतना मेहनत नहीं कर पाऊंगा, इसके लिए बड़ा माफ़ी चाहता हूं, क्योंकि अब इतना अब एक एक वीडियो पर बनाने में, कम से कम जितना लंबा वीडियो आपको दे रहा हूं डिटेल में, इस वीडियो को बनाने में 4-5 घंटा का समय चला जाता है, आधे घंटा 40 मिनट तो रिकॉर्डिंग करने में लग जाता है, फिर उसका एडिटिंग, फिर उसका अपलोडिंग, बहुत सारा फिर लिखना वगैरह, थंबनेल वगैरह बहुत बनाना पड़ता है। तो कम से कम अगर 10,000 व्यू इसका आप लोगों ने पहुंचा दिया इसको शेयर करके, तो मैं प्रयास करूंगा कि आपको दैनिक राशिफल देता रहूं। अगर नहीं पहुंचा पाए आप लोग तो आप लोगों से हाथ जोड़ करके माफ़ी मांग लूंगा और कहूंगा कि जिस प्रकार जो चल रहा है चलने दीजिए, आप लोगों के विशेष आग्रह पर मैं ही ये वीडियो लाया हूं। तो यही निवेदन है कि सभी WhatsApp ग्रुप में शेयर कर दें, स्टेटस में लगा दें, अपने Facebook के टाइमलाइन पर में शेयर कर दें, और अगर आप नए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम, बोलिए राधे राधे।